मूसलाधार बारिश, लाहौर डूब गया, पोश इलाके भी ज़रियाब, सड़कों पर घंटों घंटों पानी जमा, शहरियों की मोटरसाइकिल गाड़ियां बंद, आमदोरफ में शदीद मुश्किलात, महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई, मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने समोसों पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, अयूब रोड, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया, शाहबाग, शालीमार, मुगलपुरा, गड़ी शाहू के इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। गजुमता, आरिफ टाउन, मॉडल टाउन, माल रोड, जहांगीर पार्क, ऑटो पार्ट्स मार्केट, बादामी बाग, हमदर्द चौक, ग्रीन टाउन में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। चुबुर्जी चौक, इस्तंबुल, सब्जी मंडी, रावी रोड, इचरा में भी पानी जमा हो गया। बारिशी पानी से शहर की मुतादिद सड़कें बंद रहीं। आजादी फ्लाईओवर से नयासी शहीद चौक, भाटी चौक से शालम, जफर शहीद रोड से दो मोरिया पुल तक सड़क बंद रही। अलाहू चौक से भल्ला चौक, शेरावाली गेट और जबीन मंदिर तक सड़क बंद रही। जनरल अस्पताल के बाहर भी बारिशी पानी जमा, पानी जनरल अस्पताल, नर्सिंग हॉस्टल, कॉलेज में दाखिल हो गया। मरीजों को मुश्किल का सामना। बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम रही। इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम। कुर्तबा चौक से मुस्लिम टाउन मोड़, पुरानी अनारकली, गंगाराम चौक, शाह आलम मार्केट, आबद मार्केट के एतराफ ट्रैफिक जाम रही। शाहदरा चौक, आजादी चौक, बादामी बाग के एतराफ भी ट्रैफिक जाम रही। मुसलसल बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया, मुतादद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, बारिश में लाइन स्टाफ को काम में दुश्वारी का सामना। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बारिशी पानी से निमटने के लिए अहकामात जारी कर दिए। मुतालिका इदारों को फौरी निकासी आप का हुक्म, वासा हुकाम, जिले इंतजामिया, ट्रैफिक अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। कहा पानी के निकास पे गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने भी अफसरान को निकासी आप यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एसी से रिपोर्ट तलब। निकासी आपका जायजा लेने के लिए डीसी की लक्ष्मी चौक आमद, वासा हुकाम को नशेबी इलाकों से पानी निकालने की हिदायत कर दी। तरजीही बुनियादों पर रोड क्लियर कराने की हिदायत। सीटीओ मुंतजर मेहदी का भी मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा, ट्रैफिक क्लियर करवाते रहे। तमाम सर्कल अफसरान को ट्रैफिक रवानी के लिए रोड पर मौजूद रहने की हिदायत कर दी। निकासी आपके लिए सेफ सिटीज, वासा की मुश्तरका हिकमत अमली, सेफ सिटीज कैमरों की मदद से वासा को निकासी आपके लिए निशानदेही, पानी जमा होने, खुले मैनहोल, बंद नालों की निशानदेही, तस्वीर वासा को फराहम कर दी। बारिशी पानी भी मदद का जज्बा कम न कर सका। व्हीलचेयर पर बैठा मासूर शख्स बारिशी पानी में फंसा तो सिक्योरिटी गार्ड मदद के लिए आ गया। गार्ड अब्दुल्ला ने व्हीलचेयर को धक्का लगाकर मासूर शख्स को बारिशी पानी से निकाल दिया। बिजली सार्फीन के लिए बुरी खबर, नैप्रा ने बिजली 1.38 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी हुई, सार्फीन से इजाफा सितंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। महंगाई का जिन बेकाबू, महकमा खुराक खामोश तमाशाई, आटा मजीद महंगा, 20 किलो आटे का थैला 10 रुपए महंगा होकर 1240 रुपए तक पहुंच गया। 1 किलो आटे की कीमत 66 रुपए हो गई। 25 रोज में आटे की कीमत में 9 बार इजाफा किया गया। महकमा खुराक ने सरकारी गंदम के अज्जा की मंसूबा बंदी कर ली। सरकारी गंदम की रिलीज 20 सितंबर के बाद मुतवक्के है। कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर, दोनों बोर्ड्स के लिए 355 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। कंटोनमेंट बोर्ड में 121 पोलिंग स्टेशन, वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में 237 पोलिंग स्टेशन कायम, लाहौर बोर्ड में 24 पोलिंग स्टेशन, वॉल्टन बोर्ड में 20 पोलिंग स्टेशन हसास कराते दिए गए। कोरोना के साए मजीद गहरे हो गए। एनसीओसी की कोरोना पाबंदियों में 15 सितंबर तक तौसी, तालीमी इदारे, चर्च और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद एक हफ्ता बंद रखने का फैसला। तमाम तर इंडोर आउटडोर इज्तमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी।
पाबंदियों का इतलाक लाहौर समेत मुल्क के 24 हसास अजला पर होगा। एनसीओसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एजीसी का नए मदारिस बोर्ड के तलबा की डिग्रियों की तस्दीक से इनकार। मदारिस बोर्ड के क्याम से कबल दाखिले तलबा की डिग्रियां तस्दीक नहीं होंगी। नए मदारिस के तलबा को शहाद के मसावी सर्टिफिकेट जारी होंगे। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के जारी मंसूबों की तकमील के लिए इकदाम। एचईसी ने 5 अरब के फंड जारी कर दिए। फंड 41 जारी मंसूबों पर खर्च होंगे, जबकि महकमा खजाना ने किसानों के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए। किसानों को सस्ती खाद और अद्वियात फ्राहम की जाएंगी। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए अहम इकदाम। चोरों डाकुओं दहशतगर्दों को ट्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी अपडेट करने का फैसला। पुरानी 2G टेक्नोलॉजी से सिस्टम 4G टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। 3 जदीद बख्तरबंद गाड़ियां, 4 4G लोकेटर खरीदे जाएंगे। हुकूमत से 80 करोड़ के फंड्स तलब कर लिए गए। लोगों को गैर कानूनी पुलिस हिरासत में रखने पर हाई कोर्ट का फैसला। रोजनामचे में गिरफ्तारी के फौरी इंदराज की हिदायत कर दी। रिमांड की दरखास्त में वक्त तारीख न हो तो मजिस्ट्रेट इनकार कर दे। पुलिस फाइल और केस डायरी थाने में रखने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम की सेशन जजेस DPOs को अमल दरामद की हिदायत। एसी खराब देने तब्दील न करने का मामला। शहरी ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के खिलाफ 41,37,000 हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने मुल्तान रूट की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सीईओ को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। यकमता 12 रबीउल अव्वल शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून सरबरा होंगे। वज़ीर औक़ाफ़ स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन तर्जुमान हुकूमत चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमेटी में शामिल। कमेटी सीरत कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात को खत्मी शक्ल देगी। नाजायज मुनाफा खोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। कमिश्नर लाहौर ने ज़ेर सदारत अजलास में अहकाम जारी कर दिए। तमाम एसीज की कारकर्दगी का अलग अलग जायजा लिया। मोहम्मद उस्मान की अशिया की ज़ात कीमतों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन की हिदायत कर दी। CCPO की ज़ेर सदारत थाना मुहर्रान का अजलास। मुहर्रान की कारकर्दगी और दफ्तरी अमूर का जायजा लिया गया। CCPO गुलाम महमूद बोले, मुहर्रान फराइज मनसबी ईमानदारी एहसन तरीके से अंजाम दें। थाने में होने वाले शहरियों के साथ नरमी से पेश आए। और डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज लाहौर हबीबुल्ला आमिर की 8 साल गिरा। जजेस वकला और अजीजों कार की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी।